नमस्कार, आज आपको दिखाते हैं प्रगति रिसॉर्ट्स, हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर। ये इसका मेन एंट्रेंस एरिया, पार्किंग स्पेस, मेन गेट, और इस सामने मेन गेट के पास कोलंबर, जहाँ जानवरों के और ये अंदर का भाग। ये पगडंडियाँ, पक्की पगडंडियाँ चारों ओर, तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटे बड़े और सजावटी लाइट्स लगे हुए हैं। बीच बीच में भांति भांति आकृतियों के बहुत सारे पेड़ पौधे, झोपड़ियाँ, हट्स और बड़ा ही साफ सुथरा ये रिसॉर्ट है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, ये हमारा दूसरा विजिट है। पहली बार हम लोग शाम तक रुके थे और इन पगडंडियों पर आप आकर वॉकिंग का मज़ा लें और चारों ओर जो मौसम है बिल्कुल सुहावना है। ये देखिए पत्थरों के आकृतियाँ और न केवल आप इसमें घूमें बल्कि इसमें आप खेल भी सकते हैं। जैसे ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, ये बैडमिंटन कोर्ट, और ये भी कोई कोर्ट है, और यहाँ झूले बच्चों के लिए, शानदार। और ये बनियान ट्री, और बहुत दिनों के बाद बैलगाड़ी देखने को मिला इस रिसॉर्ट में। इस बैलगाड़ी में बैठकर लोग इस रिसॉर्ट को देखते हैं, मजबूत बैल। और ये बड़े बड़े भीमकाय, हाथी और कछुए भी हैं। ये बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इस रिसॉर्ट में आप सेमिनार, बर्थडे पार्टी, कोई मीटिंग या कुछ भी कर सकते हैं, और 50 से 100 लोगों के लिए में काफ़ी अच्छी जगह है। और अलग अलग भवनों के नाम हैं, ये देखिए घोड़े बिल्कुल सजीव लग रहे हुए।
पेड़ों को भी रंगा गया है। अरे भाई साहब अखबार पढ़ते हुए और ये अंदर से एंट्रेंस का भाग मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से पर्यटक आते हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें आप घूम सकते हैं। कम से कम 100 एकड़ में है और एरो से सब बताया गया है। ये देखिए चिल्ड्रंस पार्क, सुंदर कलाकृतियाँ बच्चों को आकर्षित करती हुई। हर पेड़ के सामने नाम लिखा हुआ है और इसमें आप आकर रुक सकते हैं और साथ में लजीज व्यंजनों का मज़ा भी ले सकते हैं। क्रिकेट खेलने की भी व्यवस्था है यहाँ पर। और ये नवग्रह वनम साउथ इंडिया में अक्सर पार्कों में ये दिखाई देता है, नवग्रह से रिलेटेड पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं और ये नवग्रह से रिलेटेड पेड़ देखिए कितनी खूबसूरती से लगाया गया है। और ये अपने बम भोले विशाल शिवलिंग पत्थरों को तराश कर और ये इधर मैं आपको दिखाऊं सुंदर स्पेस मैरीगोल्ड खूब खिले हुए अक्टूबर के महीने में। और ये हाथों की कलाकृतियाँ देखिए कितना मैरीगोल्ड है, गेंदे का फूल जिसको कहते हैं, हर तरह के पीले गेरुए रंग के थोड़े लाल। और ये बैलगाड़ी में देखिए लोग घूम रहे हैं रिसॉर्ट, जैसा मैंने बताया था आपको। और ये जो भवन है, इस भवन में मीटिंग्स और पार्टियां होती हैं, पार्टियां बाहर पार्कों में भी होती हैं। अंदर में खूबसूरत खूबसूरत हॉल, अगर किसी कंपनी की पार्टी चल रही है या मीटिंग चल रही है। और ये स्विमिंग पूल एरिया शायद ये बच्चों के लिए केवल है क्योंकि यहाँ केवल बच्चे हैं अपने एरिया में।
और भी शायद स्विमिंग पूल होंगे बड़ों के लिए। उसे लेके भेजो। पेड़ों को कितने करीब से बना गया है देखिए, देखिए कितना बढ़िया है घास, पेड़ अपनी आकार से आकर्षित कर रहा है बच्चे खेलते हुए। कोड़ी में बैठो। और ये डाइनिंग स्पेस सुंदर करीने से सजाया हुआ व्यंजन। ये एक छोटा सा स्पेस है, इसके जैसे बहुत सारे स्पेस है। और ये हमारे मित्र, आप यहाँ विजिट करें और इसका नज़र लें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।